गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइवा और ऑल सब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वाइवा से रिलेटेड होते हैं या फिर वो स्पॉट आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वाइवा के टाइम हमें कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को, खासतौर पर पेरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और अगर ये स्पॉटिंग में आता है तो हमें क्या क्या पॉइंट उसके याद रखने हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पेरियो में। जो पहला इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेरियोडोंटल प्रोब। पेरियोडोंटल प्रोब, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है पेरियोडोंटल प्रोब की। प्रोब इज अ टेपर्ड रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर हैविंग ब्लंट एंड राउंडेड टिप। इसका मतलब ये है कि प्रोब एक टेपर्ड इंस्ट्रूमेंट है, टेपरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कैलिब्रेटेड है मिलीमीटर में। उसकी हर जो मार्किंग है वो मिलीमीटर में होती है और वो उसकी ब्लंट और राउंडेड टिप होती है, जिससे कि जिंजाइवा को इंजर ना हो। क्लासिफिकेशन क्या है पेरियोडोंटल प्रोब की? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, जो कि आपसे यूजुअली वाइवा में पूछी जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन जो प्रोब होते हैं ये कन्वेंशनल हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि जिन्हें हम हाथ में पकड़ के यूज करते हैं, जैसे कि UNC 15 प्रोब, WHO प्रोब। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इन्हें हम फर्स्ट जनरेशन प्रोब बोलते हैं। फिर सेकेंड जनरेशन प्रोब, जिसमें प्रेशर सेंसिटिव प्रोब आते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन प्रोब में कंप्यूटराइज प्रोब होते हैं, जैसे कि फॉस्टर मिलर प्रोब। फोर्थ जनरेशन में सेम कंप्यूटराइज होते हैं और उसमें थ्री डायमेंशनल सिक्वेंसिंग उसकी रिकॉर्ड हो सकती है प्रोबिंग की इन द जिंजाइवल सल्कस और पॉकेट। फिफ्थ जनरेशन में नॉन इन्वेजिव प्रोब है, इसका मतलब हमें जिंजाइवल सल्कस में इस प्रोब को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक डिवाइस है। इसमें डिजिटल रीडआउट हम देख सकते हैं बिना जिंजाइवल सल्कस या पॉकेट में इंसर्ट किए। तो जो हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट, आइए हम देखते हैं। ये है प्रोब, यह UNC 15 प्रोब। तो देखिए ये इसकी मार्किंग हर मिलीमीटर पे मार्किंग अवेलेबल होती है, और इसमें जो कलर कोडिंग होती है बैंड में वो हर 5, 10 और 15 मिलीमीटर पे कलर कोडिंग होती है इसमें। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें हर मिलीमीटर पे मार्किंग होती है। तो ये देखिए, ये जो पेरियोडोंटल UNC 15 प्रोब है इसमें हर मिलीमीटर पे 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह इसमें हर मिलीमीटर पे मार्किंग है और कलर कोडिंग है 5, 10 और 15 पर। तो जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो में। तो मार्किंग हम इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इसे आइडेंटिफाई करना है। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या है कि इसकी जो थिन शैंक है, वो अलाउ करती है एक्सेस इनटू थिक फाइब्रोटिक जो सल्काय है, जो थिक फाइब्रोटिक मार्जिन्स हैं उसको भी वो इजीली एक्सेस कर सकती है। मोर ओवर इट इज़ सूटेबल फॉर यूज इन डीप पेरिडोंटल पॉकेट। डीप पेरिडोंटल पॉकेट में भी इसको इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। डिसएडवांटेज है द थिन टिप में पेनिट्रेट इन द जंक्शनल एपिथीलियम, जो इसकी टिप है इट माइट पेनिट्रेट इन द जंक्शनल एपिथीलियम। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, ये है CPITN प्रोब। तो ये इंस्ट्रूमेंट का वीडियो है जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। फिर से देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को हम। ये देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक आगे बॉल है, उसके बाद इसकी कलर कोडिंग है। तो हम देखते हैं इसकी क्या क्या मार्किंग है। अभी सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। एक बार हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे कि एग्जामिनर पूछता है कि आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का। एक बार आपको आइडेंटिफिकेशन पता चल जाता है कि बेसिकली है क्या ये इंस्ट्रूमेंट, फिर उससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये क्या है ये इंस्ट्रूमेंट। तो जो CPITN प्रोब है वो दो टाइप के होते हैं, CPITN-E यानी epidemiological uses के लिए, CPITN-C यानी clinical uses के लिए। This probe was designed for measurement of pocket depth। तो ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि पॉकेट की डेप्थ मेजर कर सके,
डिटेक्शन ऑफ सब जिंजाइवल कैलकुलस, सब जिंजाइवल कैलकुलस को डिटेक्ट कर सके, फाइंड आउट कर सके, एंड इट इज़ यूज इन द असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट नीड। तो ट्रीटमेंट नीड के असेसमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी एडवांटेज क्या है? बॉल एंड मिनिमाइज कनेक्टिव टिश्यू पेनिट्रेशन। तो जो बॉल आगे इसमें प्रोब में है उसका ये एडवांटेज है कि ये कनेक्टिव टिश्यू में को रीच नहीं करता, ये मिनिमाइज कम से कम ही उनको रीच करता है। और ये स्क्रीनिंग जो पर्पसेस है उसके लिए बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसके डिसएडवांटेज है कि इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पॉकेट डेप्थ मेजरमेंट। तो ये एकदम प्रिसाइज जो पॉकेट डेप्थ है, जैसे कि हमने UNC में देखा, उसमें हर मिलीमीटर पे मार्किंग थी, तो उसमें हम प्रिसाइसली कह सकते हैं कि पॉकेट की डेप्थ कितनी है, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इसकी मार्किंग है उसकी मार्किंग है 3.5 पर, 5.5, 8.5 और 11.5 पर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है विलियम प्रोब। तो देखते हैं कि विलियम प्रोब किस तरह से दिखता है। तो देखिए ये है विलियम्स प्रोब। तो क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना होता है, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है। तो इसमें जो मार्किंग है वो 1 मिलीमीटर पे मार्किंग है, 2 मिलीमीटर पर और 3 मिलीमीटर पर। उसके बाद 4 मिलीमीटर की मार्किंग एब्सेंट होती है, फिर सीधा 5 मिलीमीटर की मार्किंग है और 6 मिलीमीटर की मार्किंग भी एब्सेंट है, फिर सीधा 7, 8, 9 और 10 मिलीमीटर की मार्किंग है। ये देखिए इसमें 4 और 6 मिलीमीटर की मार्किंग एब्सेंट है। तो आप कैसे इसे आसानी से UNC 15 और CPITN से आप इजीली इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। 4 and 6 millimeter मार्किंग आर मिसिंग विच मिनिमाइज कन्फ्यूजन ड्यूरिंग रीडिंग। तो 4 और 6 millimeter की मार्किंग इसमें मिसिंग है, जिससे कि हमारा जो कन्फ्यूजन होता है चेक करने के टाइम वो बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेज, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिसाइज पॉकेट डेप्थ मेजरमेंट। नेबर्स प्रोब। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम देखने वाले हैं वो है नेबर्स प्रोब। तो ये देखिए ये है नेबर्स प्रोब, इसे फर्केशन प्रोब भी बोलते हैं। ये डबल एंडेड है फॉर राइट एंड द लेफ्ट साइड। ये इसकी कलर कोडिंग है, इसकी जो कलर कोडिंग है वो है 3 to 6 millimeter, उसके बाद 6 to 9 millimeter कोई कलर कोडिंग नहीं है, फिर 9 to 12 millimeter फिर इसकी कलर कोडिंग है। तो टोटल इसकी जो मेजरमेंट हुई वो हुई 12 millimeter की। और ये डबल एंडेड है फॉर राइट एंड द लेफ्ट साइड। हम फिर दोबारा से देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई दिस प्रोब। दिस इज नेबर्स प्रोब फॉर फर्केशन एरिया। तो ये देखिए ये डबल एंडेड है और इसमें कलर कोडिंग है अवेलेबल। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। ये फर्केशन एरिया में यूज होता है ऑन मल्टी रूटेड टीथ। इट हैज़ कर्व्ड वर्किंग एंड, जैसा कि हमने देखा इसका वर्किंग एंड कर्व्ड होता है फॉर ईजी एक्सेस ऑफ द फर्केशन एरिया, जिससे कि वो ईजिली एक्सेस कर सके फर्केशन एरिया को। द एंड इज ब्लंट, जैसा कि हमने देखा हर प्रोब का एंड ब्लंट होता है, जिससे कि वो सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज ना करे। मोस्ट ऑफ द नेबर प्रोब डू नॉट हैव मार्किंग। तो अभी हमने देखा कि इसकी कोई मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसमें कलर कोडिंग होती है। अब हम बात करेंगे सिकल स्केलर की।